गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर डे। कैसे भाई लोग, आई होप मज़े होंगे। ऐसी मज़े बने रहे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो पिछले कुछ दिनों में व्लॉग लेट आ रहे हैं थोड़ा सा, मेरे को बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं कि डेली व्लॉग डालो, जल्दी व्लॉग डालो। तो वो भी टाइम आएगा जल्दी जल्दी व्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में फंस जाता हूँ तो वहाँ शूट नहीं हो पाता है तो व्लॉग बन ही नहीं पाता पूरे दिन का। वेल ये तो चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। बट अभी मैं रेडी हो चुका हूँ जिम जाने के लिए। बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो जल्दी जा रहा हूँ। बच्चों की स्कूल छुट्टी नहीं होती तो उनको स्कूल ड्रॉप करके फिर जाता। बट अभी मैं रेडी हूँ और अभी सिर्फ 7 बजे और अगले 5-10 मिनट में निकल जाऊँगा। 5-10 मिनट क्यों, रेडी होने के बाद भी भैया ब्लैक कॉफ़ी पी के जाऊँगा। थोड़ी सी नींद भाग जाती है, उससे एनर्जी आ जाती है। अरे भाई ब्लैक कॉफ़ी काम क्यों रही है, इतनी भी ठंड नहीं है। अच्छा चलना बाहर। बाहर तो फिर छत पे बिल्कुल ठंडा हो रहा है। छत पे मत जाओ फिर, जलेबी बनने गई थी। चलो ठीक है, तुम अभी काम तो करना ही पड़ेंगे ना, अपने से तो कुछ कर नहीं सकते। मेरे भी तो काम है ना सुबह उठ के जिम जाने का, मैं भी कर रहा हूँ ना। तू भी एक ब्लैक कॉफी पी ले फिर, तेरे को उससे अच्छा लगेगा। भाई ब्लैक कॉफी पीने से सिर्फ एक ही फायदा होता है कि एकदम से ना इंस्टेंट नींद भाग जाती है और थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो कोई भी वर्कआउट या ऐसा कुछ एनर्जेटिक वाला काम करना है तो ब्लैक कॉफी पी लो, कभी नुकसान नहीं होता, फायदे ही होते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ना ज़्यादा ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए, कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सालों साल पहले भी जब मैं रेगुलर पहले एक्सरसाइज करता था ना, डेली ब्लैक कॉफी पीता था। दिन में भी एक आध कॉफी पीता हूँ मैं। मेरे को कॉफ़ी चाय सर्दियों में तो स्पेशली कुछ ना कुछ पी लेता हूँ दिन में। अभी ये कॉफ़ी होगी, ऑफिस में भी जाके ब्लू टी लूँगा, कुछ ना कुछ ऐसा मेरा चलता रहेगा। गर्म गर्म चीज़ें मैं सर्दियों में लेता रहता हूँ। आउटसाइड टेम्परेचर 11 डिग्री है और मेरे एक टायर में हवा कम है, 27 है, और इंजन चेक की लाइट फिर से जल गई है। और बाहर मौसम सही है, 11 डिग्री टेम्परेचर में डेली सुबह सुबह जैसे फॉग होता था उतना फॉग नहीं दिख रहा बाहर, तो ठीक है, अच्छा साइन है। और अभी सबसे पहले मेरे टायर की हवा कम है 27 है, तो पहले इसको करा लेते हैं फटाफट। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा हल्का फुल्का सा रॉन्ग साइड, क्योंकि यहाँ से रॉन्ग साइड जाती है सामने पेट्रोल पंप है ना, इस पेट्रोल पंप पे अपने को हवा डलवा देते हैं टायर में। हवा तो नहीं डल पाई टायर में क्योंकि अभी वहाँ पे कोई नहीं था, उसके जो स्टॉल था जो भी था। तो चलते हैं फिलहाल जिम, हल्का सा बैक पेन अभी भी हो रहा है यार, मैं कन्फ्यूज हूँ मुझे जिम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हल्की हल्की एक्सरसाइज करके देखता हूँ, जो ग्रुप एक्टिविटी वो तो नहीं करूँगा क्योंकि इस वाली कमर वाले पेन में तो ग्रुप एक्टिविटी तो इम्पॉसिबल है। बहुत लाइट वेट से ना कुछ बॉडी पार्ट मार के आ जाऊँगा, क्योंकि ना एक्सरसाइज जब से स्टार्ट करी है ना 2 बार बड़े बड़े ब्रेक हो गए, 3-3 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं, हो नहीं पा रही है स्टार्ट, तो थोड़ा सा तो अवॉइड करना पड़ेगा ना यार कंटिन्यू करने के लिए। मुझे लगता है कई बार कुछ पेन ना वर्कआउट से भी सही हो जाते हैं, छोटे मोटे दर्द ना अगर हो रहे हैं बॉडी में तो एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज से वो ठीक हो जाते हैं। तो आई होप ऐसी हो जाए सारा भी ठीक ठाक। हाय बॉडी फुल पंप हो चुके इस टाइम, इतना फ्रेश हुआ है ना, इतनी कमेंट दे रही है उसके बाद।
जबरदस्त सेशन रहा आज का, बहुत जबरदस्त। हालांकि सोचा था 7:30 बजे मैं आ गया था, और मैंने सोचा कि सिर्फ हल्का हल्का सा बॉडी पार्ट करूँगा और निकल जाऊँगा, सिर्फ इसलिए कि जिम छूट ना जाए, वर्कआउट छूट ना जाए। इसलिए उसके बाद भाई ग्रुप एक्टिविटी भी मैंने ज्वाइन कर ली, एक नई एक्टिविटी थी बोलो टीनो, मेरे लिए फर्स्ट टाइम थी। उसमें मार्शल आर्ट और डांस को मिक्स करके कुछ वर्कआउट होता है, बहुत ज़्यादा मजा आया। अंदर से पूरा इस टाइम वेट हो रखा भाई, टी शर्ट ना एकदम फुल, इतना वर्कआउट जबरदस्त हुआ ना। ये सेशन मेरा पहली बार था और बहुत मजा आता, अब तक का मेरा बेस्ट डे हो सकता है आज का जिम में। थोड़ा सा शूट भी करा, आपने देख लिया होगा, बड़ा मज़ेदार था। सो अभी सोचा था पोहा खाऊंगा, बट अभी पोहा के लिए वो रवि आए नहीं है, तो अभी यहाँ से सीधा चलते हैं। खैर 9:13 हो चुके हैं और मैं 7:30 आ गया था, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं ले लिया मैंने, बट दोनों चीज़ की ना, वर्कआउट भी मेरा हो चुका था और एकदम से ग्रुप एक्टिविटी का टाइम आ गया, तो मैंने कहा ज्वाइन कर लेते। मैंने बोल के किया था कि 10 मिनट ही करूँगा, 10 मिनट मेरी बैंड बच जानी है बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा बैक पेन तो है ही है ना, बट मेरे को बिल्कुल बैक पेन नहीं हुआ। अब देखता हूँ यहाँ से घर जाने तक या उसके बाद कैसे रहता है आज का दिन, डॉक्टर पे जाने की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, सिकाई करके भी काम चल सकता है। वेल फिलहाल अभी चलते हैं घर पे सीधा, क्योंकि 9:15 ऑलमोस्ट होने वाले, 9:15 होने वाले, और अभी फिर जाके टाइम से ऑफिस का भी टाइम हो जाएगा। चलते हैं भाई जल्दी से। भाई टेम्परेचर 12 डिग्री है बाहर, फॉग नहीं है आज, अच्छी बात है फॉग ना होना। फॉग से यार अंदर हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर हाईवे पे या पहुंचेगा ना थोड़ा सा रिस्क हो जाता है बहुत लोगों के लिए, जो डेली ट्रैवल करते हैं या फिर जो कहीं ट्रैवलिंग पे बाहर जा रहे हैं, उनके लिए ठीक नहीं है फॉग होना। सो फिलहाल आए हो बाहर से, मैं भी हाईवे से आ रहा हूँ, तो वहाँ तो कोई फॉग नहीं था और अभी भी साफ साफ दिख रहा है, और टेम्परेचर मस्त है। ठंड में ठंड तो होनी चाहिए भाई, ठंड में ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, ठंड के मजे लो, मैं भी लूंगा। सो भाई फाइनली मैं रेडियो के ऑफिस जाने के लिए, मस्त टेम्परेचर हो रहा है बाहर, ठंड हो रही है, बहुत मजा आने वाला है, और असली ठंड के मजे ले रहा है स्कूल की छुट्टी के साथ साथ। सचिन चौधरी थोड़ी तबीयत ढीली बता रहा है अब, ठीक है। ये खाना वाना खाने के बाद बेटा ब्रेकफास्ट के बाद ना डॉक्टर पे जाना मम्मी के साथ, ठीक है, और फिर आराम करना, इस रजाई से बाहर मत निकल जाइयो, इसकी तबीयत खराब हो गई है, हल्का फुल्का से खांसी जुकाम ठंड लगी है। अभी घूम के आया था ना एक दिन के लिए, एक रात के लिए मामा के यहाँ, तो बिना टोपे के छत पे रहे, न्यू ईयर पार्टी कर रहे थे छत पे, टोपे लगाए नहीं, उन्होंने मुझे पूरा भरोसा तेरे ऊपर। सो वेल फिलहाल मैं रेडी हुआ हूँ, सेक्शन तो ठंड के मजे ले चुका, मेरी बारी है, अब मैं जा रहा हूँ बाहर। आज का टेम्परेचर बहुत गजब का, बहुत ठंडा हो रहा है बाहर, चलते हैं भाई ऑफिस। लंच पैक कर दिया, क्या बनाया? आलू गाजर मटर की सब्जी, मिर्च का अचार, मिर्च का अचार जरूर चाहिए मुझे, ठीक है। पराठे क्यों? रोटी दे देते, हाँ मेरे लिए रोटी पैक करना, मेरे को पराठे नहीं खाने, ठीक है ना, सक्षम खिला दो, सक्षम हो रहा कमजोर, तुम उसे मोटा करो। जैसी बाहर है ना, बाहर आती फिर वापस गया, और मुझे लग समझ में आ गया कि स्वेट शर्ट से काम नहीं चलेगा, जैकेट डाल ली ऊपर से। बाहर आज ठंडी ठंडी हवा है, धूप बिल्कुल नहीं है अभी इस टाइम, धूप पिछले कुछ दिन से हो भी नहीं रही, बट मस्त है यार। चलते हैं कहीं बाहर आज, अरे बाहर से मतलब काम से, ऑफिस के काम से कहीं बाहर चलते हैं, मेरा मतलब ऑफिस में ना बैठने दे इस टाइम, कहीं काम वाम आ जाए, ठंड के मजे काटते हैं। गजब का टेम्परेचर है बाहर, है मस्त हो रही है, मैं तो जैकेट डाल ली, पानी भर दे, मस्त गर्म गर्म भर दे आज तो पानी, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। वेल ऑल सेट, चलते हैं ऑफिस, टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है मेरी घड़ी में, अरे अभी तो सिर्फ 10:10 हुए हैं, मैं नॉर्मली टाइम से बहुत जल्दी हो गया आज, थोड़े रुका जा सकता है, नहीं निकलते हैं। और आउटसाइड टेम्परेचर 11 दिखा रहा है, मुझे लग रहा है आज का दिन बहुत ठंडा जाने वाला है, अदरवाइज 10:30 तक मतलब 11 बजे तक होते होते ना टेम्परेचर डेली 14-15 ऐसे पहुंच जाता है, बट आज अभी तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा और अभी भी वो मॉर्निंग की तरह ही ठंडा दिखा रहा है, गजब हो रहा है और मजा आने वाला है। ऐसे में कोई लंबी ड्राइव मिल जाए ना, जैसे कि ग्रेटर नोएडा की मीटिंग या गुड़गांव की मीटिंग, ऐसे मुझे लंबी मीटिंग अच्छी लगती है, तो आई होप कोई लंबी मीटिंग जाते ही मिल जाए, मस्त मॉर्निंग मिलेगी, कहीं रास्ते में एक अच्छी सी कॉफ़ी उठाऊंगा और फिर बस रास्ते को एंजॉय करूँगा, फिर ट्रैवल में ऐसे लगता है ना एकदम से मुझे ट्रैवल स्टार्ट हो गया। देख रहे हो भाई यहाँ से जस्ट हाईवे पर चढ़ूंगा मैं, और उसके बाद देखो क्या सॉलिड लग रहा है यार, सिर्फ और सिर्फ नज़ारों की कमी है, टेम्परेचर तो पहाड़ों वाला ही है भाई, बहुत धमाकेदार ट्रैवल आने वाला है, मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, मैंने उसकी प्लानिंग की है और प्लानिंग स्टार्ट हो गई है, आई होप इस वीकेंड पे हो जाए, गजब का कुछ ऐसी चीज होगी मेरे चैनल पे, वो पहली बार होगी, नया होगा मेरे को। सो भाई थोड़ा सा धूप बत्ती का धुआं हो रहा है, विंडो ओपन कर दिया, अब यहाँ से धुआं कम हो जाएगा और हम बैठते हैं आराम से यहाँ पे,
इंजॉय करते हैं अपनी ब्लू टी, आती होगी भाई। देखो हेल्दी वेल्दी है या नहीं है वो पता नहीं, बट इसको पीने में मजा आ रहा है मेरे को तो। एक तो ठंड में तो वैसी गर्म गर्म अच्छी लगती है, कुछ हेल्दी है, कुछ गलत तो है नहीं, तो क्या कोई फायदा ही होगा, नुकसान तो होने से रहा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ फतेहपुर बेरी छतरपुर के पास, तो एक छोटे से मीटिंग है, अपने ही नोन है, अपने ही बहुत पुराने भाई बंधु हैं, बिरादरी भाई है, गुजर भाई, उनसे मिलाते हैं, काम निपटा के फिर देखते हैं वहाँ क्या बनता है। भाई 12:30 बज रहे हैं अभी, 12:36 हो रहे हैं और अभी टाइम ऐसा हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हूँ। थोड़ा थोड़ा हल्का सा अंधेरा, अभी मौसम खुला ना, मतलब मौसम खुल जाता है 10-11 बजे के बाद ना, आज बिल्कुल नहीं खुला, सुबह फॉग नहीं था और अभी फॉग है, देख रहे हो हल्का हल्का फॉग है। बट अच्छी बात है 12:30 में निकल रहा हूँ तो इस टाइम ट्रैफिक रोड से ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, जो पीक आवर्स होते हैं ना वो 12 बजे तक, मतलब दुनिया अपने अपने ऑफिस पहुँच जाती है तो रोड भी खाली हो जाते हैं उस हिसाब से। चलो भैया हमारा कटका आज चलान, कितने का कटेगा भाई साहब? नहीं नहीं कैश की काट रहे हो, ऑनलाइन काट रहे हो? गाड़ी के ना काले शीशे रखता नहीं हूँ, मेरे में सिर्फ ये कर्टेन होते हैं, कर्टेन से क्या धूप वूप से बच जाते हैं, इससे ज्यादा और फर्क नहीं पड़ता, विजुअलिटी मस्त रहती है। क्योंकि जो पीछे का शीशा था ना वरुण ने बिल्कुल जेड ब्लैक कर रखा था, बिल्कुल जेड ब्लैक, हालांकि उसका भी मेरे पे कर्टन है का पता है, कर्टन लगा रखा था मैंने, बट ये पीछे वरुण कहीं लेके गया था, और वरुण जब भी लेके आता है ऐसे ही करता है। चलो पहले भी जब भी ये शीशे की फिल्म हटी है ना 500 रुपए देके हटी है, इस बार फिर। सो फाइनली भाई मीटिंग से निकल चुका और अभी यहाँ से वापस जाना है ऑफिस, कुछ होगी मीटिंग तो मालूम पड़ जाएगा, और मालूम पड़ जाएगा तो निकल लेंगे वहां पे, लेकिन अभी फिलहाल मैं छतरपुर साइड हूँ और यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ बिना डरे, क्योंकि अब मेरी गाड़ी के शीशे काले नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, पीछे वाला देख रहे हो बिल्कुल कैसे प्लेन हो गया, ठीक है, अच्छा हुआ यार 500 रुपए देके हुआ, बट ऐसे हो जाता फ्री में हटा लेते ज्यादा बढ़िया रहता है। भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ साकेत, साकेत सिलेक्शनी मॉल के ठीक सामने हूँ, यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाके ना PSRI कोई हॉस्पिटल है, मुझे वहां जाना है, हॉस्पिटल में मुझे काम है, किसी से मिलना है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल रिलेटेड काम नहीं है, अपना ही काम है, तो वो वाला काम निपटा के फिर आपको बताता हूँ आगे का क्या प्रोग्राम है। भाई जब मैं कभी लंच टाइम में ऑफिस में नहीं होता और कहीं बाहर होता हूँ ना, तो लंच में ऐसे करता हूँ अपनी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में ट्रे हमेशा रहती है, घर से लंच में लेके आता हूँ, तो आराम से बैठ के बैठ सीट पीछे करके ट्रे लगा के आराम से लंच होता है। और मैं नॉर्मली गाड़ी में इसीलिए प्रिपरेशन चलता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं कहीं मीटिंग में गया तो लंच टाइम में वहाँ था, तो मैं गाड़ी में हमेशा लंच घर से इसलिए लेके गाड़ी में रखता हूँ, ट्रे रखता हूँ, कुछ खाने के 2-4 सामान रखता हूँ, सब कुछ होता है, हैंड वॉश, टिश्यू, सब कुछ रखता हूँ मैं इसीलिए भाई, फुल प्रिपरेशन से। तो अभी फिलहाल मैं लंच कर लेता हूँ और लंच करके मैं जिस मीटिंग में आऊँ ना बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूँ मैं, ये कोई PSRI हॉस्पिटल है, सो बट पहले लंच उसके बाद, क्योंकि अभी टाइम भी है, मैं जल्दी आ गया हूँ तो पहले लंच कर लेते हैं। भाई आज का पूरा दिन फुल वर्किंग है, फुल वर्किंग, जैसे मैं सुबह कह रहा था ना कि आज वर्किंग हो जाए, पूरा दिन गाड़ी में निकल जाए अच्छे मौसम के मजे लेते हुए, वैसे ही जा रहा है। अभी गाड़ी का आउटसाइड टेम्परेचर देख रहा है 13, और मैं हूँ अभी नोएडा सेक्टर 62, और यहाँ पे एक मीटिंग करनी है, उसके बाद फिर होके घर जाना है, लेकिन आज कुछ और प्लान भी है मीटिंग के बाद, बता दो मीटिंग के बाद, अभी पहले अभी पहुंच जाओ मीटिंग में, पहुंचा भी नहीं अभी तो 5 मिनट और लगेंगे, 5-7 मिनट का रास्ता अकॉर्डिंग टू गूगल। तो भाई सीन क्या, मैं मीटिंग से निकल चुका हूँ अभी, और अभी मीटिंग से निकल के मैं जा रहा हूँ अपने फेवरेट अड्डे पे, फेवरेट अड्डे पे क्या, मेरे फेवरेट अड्डे मिलता है प्रोटीन, बहुत दिन हो गए भाई प्रोटीन नहीं खाया, जिम जा रहा हूँ प्रोटीन नहीं खाऊंगा, सेहत भी बनानी है, मैंने बताया ना आज मैं फिटनेस पे बहुत काम कर रहा हूँ। सो अभी सीन क्या है, इतना टाइम हो चुका है ना, भूख मुझे ऑलरेडी लग रही है, तो घर जाके सिर्फ सब्जी खाने से बैठ रहा है, मैं कोई ना कोई यहीं से खा के जाऊँ, तो कुछ मेरे फेवरेट जगह है यहाँ से, मैं नोएडा 62 हूँ, यहाँ से सामने रोड के उस तरफ इंदिरापुरम है, वहाँ पे मेरा कुछ फेवरेट ही है, मैं हमेशा नॉनवेज वहीं का खाता हूँ, तो कुछ नॉनवेज खा के जाऊँगा मज़ेदार। तो भाई ये देखो, ये ना रोड साइड लगाते हैं ऐसे, लेकिन क्या टेस्टी होता है इसका यार, क्या बनाता है ना ये, फ्रेश का तो अलग ही मजा है ना, बिल्कुल फ्रेश एकदम सामने सामने बन रहा होगा यहाँ पे, और इसके तंदूरी, जैसे हम तंदूरी खाते हैं ना, ये कुछ इनका सिंगड़ी टाइप होता है, इसको बना के रखते हैं, अभी मैंने ऑर्डर कर दिया तंदूरी, तो पहले मैं तंदूरी खाऊंगा, उसके बाद पेट में कुछ जगह बची तो कुछ और खा लूँगा, आने दो फिर दिखाता हूँ, आप देख के बोलोगे क्या गजब बनाया हुआ है। भाई साहब
बेहतरीन, मैं कह रहा हूँ इतना गजब। देखो क्या सही लग रहा है यार, कोई ना भी खाए ना उसके मुंह में पाने। इसकी प्याज और चटनी भी गजब होती है, और ये तो भाई एक नंबर है ही है। देख ही रहे हो ना क्या फ्रेश लग रहा है, प्योर प्रोटीन है ये, गजब। खा लूं मैं, सेहत बना लूं, वे मिलते हैं। भाई बिल्कुल मजा नहीं आया, तो मैंने इस बार कुछ चेंज करा है, कबाब मंगा लिया। सीन क्या हुआ, जो पहले मंगाया था ना, अभी मैंने कबाब मंगाए हैं विद, ये चिकन कबाब है, मटन कबाब नहीं है। बट जो मैंने पहले मंगाया था ना उसमें मज़ा नहीं आया उसने, और मतलब अच्छा बोल, मैंने उसे बोला अच्छा बना दे तो उसने ले और बटर। किसी को बोल देना भाई अच्छा चाहिए तो ले और बटर, पता नहीं क्या कई बार हो जाता है, हर बार एक जैसा नहीं हो पाता। तो बट अभी इस बार आई होप कि मैंने उसको समझा गया हूँ कि मेरे को बटर नहीं चाहिए, हल्का सा मसाला और ऊपर से नींबू डाल दो, इनफ है। बट देखते हैं अभी कैसे होगा, खा के बताता हूँ। गरम गरम है, धुआं निकल रहा है। इसमें जब से क्रीम और बटर नहीं डाला हुआ तो ये ठीक है। भाई मेरे लेफ्ट में ना, मेरे लेफ्ट में एक पहाड़ है, गजब टेम्परेचर तो है ही हमारे यहाँ पहाड़ों वाला। अब मुझे वो पहाड़ के दर्शन भी हो गए, व्यू भी आ गया, पहाड़ व्यू आ गया। मैं हूँ अभी गाजीपुर में, तो गाजीपुर के मेरे लेफ्ट में आते हुए ना हाईवे से पहाड़ नजर आ रहा है। मैं सुबह कह रहा था ना कि दिल्ली में टेम्परेचर तो मस्त है, पहाड़ों वाला व्यू की कमी है। अब वो पहाड़ वाला व्यू मेरे लेफ्ट में, बट अभी अंधेरे में मैं दिखा नहीं पाऊंगा बाहर, मुझे दिख रहा है थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग है उस पर। जो लोग ईस्ट दिल्ली आसपास रहते हैं वो समझ होंगे गाजीपुर का पहाड़। और अगर उस पहाड़ की खासियत बता दूँ ना, अगर मैंने अभी शीशे खोल दिए ना तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, मैं बेहोश हो जाऊँगा, इतनी खतरनाक है उस पहाड़ की खासियत। सो भाई फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ, और देखोगे दो नए ट्रेडमिल और कुछ मशीनें धक्का खा रही हैं, पता नहीं कब फिट होंगी। माता श्री प्रणाम, क्या हाल चाल, ठंड हो रही है, जरा अंदर बैठ लो आराम से। मैं तो अंदर कप का पहाड़ वाली ठंड हो रही है। कहाँ गए सब, ये देखो ये रसोई में गैस के आगे कर रही है, इसे इसे फुल कपड़ों में ढकी पड़ी, और आप बाहर घूम के आ रहे हो। मैंने कपड़े ये ये नकली सा शॉल पहन के, कुछ है भी थोड़ी है। अच्छा जी, ये जैसे यहाँ से धुआं निकल रहा है, तुझ में से क्यों निकल रहा है? सारे जलाते ना, गंदी से आदत हो जाए उसकी। मुझे तो घर भी काला हो जाए। एक चीज और है ना, अब एक बार अगर आप आग लगा लो ना तब तो अच्छी लगेगा, लेकिन अगले दिन फिर चाहिए, उसके बिना ठंड भी ज्यादा। तुझे भी बड़ा आदत, लिपटी बड़ी है पूरे शॉल में, और ये लॉन्ग से कुछ पहना हुआ है भी बोला जा। हाँ तो जाड़े से तू बस ठाड़ा, भी मैं ही हूँ तेरे आगे, तेरे सामने तो ठाड़ा ही हूँ वैसे। खाना खा, मैंने खाऊँ खाना, तुझे बताया था खा के, हमारे फोन पे बताना था, तूने बनाए होंगे, बट मैंने तो सुबह ही बता दी मेरा कुछ खाने का। मैं बता चुका हूँ तेरे को, मेरा बहुत ज्यादा मन था, मैंने इसे सुबह घर निकलते टाइम बोल के आया था कि प्रोटीन खा गया हूँ, वही हुआ प्रोटीन खा गया। बता मैंने किसके लिए बनाया था खाना? अपने लिए। मैं सारे खा लूंगी। हाँ खा ले तू, बच्चे और बड़ी मम्मी डोसा खा रहे हैं। ढोर तो ही तू खा रहे, सब कैसे का खा जा। सक्षम तबीयत कैसी है? बढ़िया। सुबह से बैठ रहे सही में, फिट है ना? आवाज़ तो आ रही, सुबह तो इतनी आवाज़ भी ना आ रही। भाग रहा है, भाग में तू ही बैठ रहा आराम से रजाई में। भाई सुबह जो है ना, जब मैं रेडी हुआ था यहाँ पे, तो ये जैकेट जो है पीछे हैंगर में टंग रही थी, फिर जब मैं गाड़ी बैठा तो ये जैकेट मैंने पहन ली, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो जिप लगा ली। अब वही हुआ, इतनी ठंड हो चुकी है ऑलरेडी कि जैकेट वैकेट और इसके नीचे भी, हालांकि ये भी बहुत अच्छे खासे गर्म है, उसके बावजूद ही फुल डे आज मस्त रहा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा, बहुत मज़ा आया आज का, मस्त निकला। भाई चेंज वेंज कर लिया, आराम से बैठेंगे रजाई में, अब जो है कम्फर्टेबल एयर में आ गए, मैं कहीं बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं, ऐसी ठंड में क्यों जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा, मतलब ही नहीं बनता। आराम से रजाई बैठेंगे, टी वी देखेंगे, गप्पे मारेंगे आराम से। मैं तो चलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आराम से रजाई में ऐसे बैठा रहूँगा, बट मैं जो डिनर मिस कर रहा है ना, मैंने पता है क्या क्या मिस कर रहा है, मैंने वैरायटी दिखाऊँ तुम्हें अपने घर की। स्टार्ट करते हैं मंजू से। हाँ भाई, कढ़ी चावल है, ये तेरे हाथ का बना हुआ है ठीक है, और इन्हें क्या दिया हुआ है, डोसा। क्यों मेरे ऊपर तो चिल्ला रही है कि कढ़ी चावल बनाए मैंने, कढ़ी चावल इन्हें तो खिला ले पहले, कढ़ी चावल डोसा पेल रहे हैं दोनों। इनकी बड़ी मम्मी को नहीं खाने तो ये भी नहीं खाएंगे फिर, तो मेरे से लड़ रही है ना, इनको भी बोल रहे हाँ भाई तुम्हें क्यों कढ़ी चावल नहीं खाने, क्योंकि बड़े मम्मी को नहीं खाने।
बड़ी अम्मी को नहीं खाने थे, तुझे भी नहीं खाने? नहीं, वो डोसा मंगा लेता मैं। सही है भाई, सही है। इस घर में मेरी बैंड बजती है, बस सारा जोर मेरे पे चले इसका, और कहीं जोर चले? खाओ, मैं तो घर का खाती हूं। घर का खा, मैं भी घर के खाता हूं, कभी कभी खाता हूं भाई बाहर में, बहुत कम, कभी कभी। तो शर्म ना आ रही, अकेले अकेले गज्जा खा रही, हमें भी खिला दे। आप तो डाइट पे हो, अब भी खाओ बेटा। थोड़ी सी खा सके, ऐसा कुछ ना, थोड़ी सी खा ले। अब डाइट पे हो मत, तो एक पीस खा लूंगा, थोड़ा सा बड़ा दे, चल इतने दे देना तुम। शर्म कर, शर्म कर, और ले जा पूरी साबुत लेकर। मैं रोटी ठंड में हूं, मेरा यही दे दे भाई, ये मेरे नसीब में इतनी सी। कोई बात बेटा, सही हो जा रहा है। अगर तूने टोपा पहन लिए होते यार, सही कपड़े पहने होते ना, ऐसी दिक्कत ना होती, है ना। मजे ले रहे थे, उसमें भी मजे ले रहा, खेल रहा उसमें भी, देख खेल रहा, देख देख देख, धुएं निकाल रहा भाई। अभी अभी नेबुलाइज करने के बाद के साइड इफेक्ट देख लो, कर कर। हाँ, कैसे कर लेता ये नेबुलाइजर का असर है, इतनी पावर नेबुलाइजर के पास आई तेरे में। फ्रंट से अब ये वाला पोज, ऐसे वाला नहीं, कौन सा वाला पोज, कोई और पोज दिखा ना भाई साहब, कोई और पोज तो दिखा, ये तो एक ही पोज हो गया। भाई टाइम हो गया 11 बज रहे हैं, सो मेरे आराम करने का टाइम हो गया यार। 11 बजे का मतलब मैं गिर जाता हूँ 11 बजे तक, अभी 11 बजने में 2-4 मिनट बचे हैं, इससे पहले मैं गिर जाऊँ आपको बता दूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इसे जल्दी से लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो व्यूज आ रहे हैं ना, मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आई होप आज इस वीडियो के बाद जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नई मस्ती, नए ब्लॉग, नए दिन के साथ। गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।